पिछली बार आपने 3x3 का मैजिकल स्क्वायर देखा था, अब ठीक उसी प्रक्रिया का हम प्रयोग यहाँ पे दोबारा से करेंगे, 5x5 का मैजिक स्क्वायर करेंगे, फिर से वही करेंगे। पहली लाइन के केंद्र में नंबर एक आएगा, अब फिर नॉर्थ ईस्ट में चलेंगे आपका आएगा दो, तो दो आपका बिल्कुल में उस लाइन के ठीक सामने, फिर नॉर्थ ईस्ट चले हमारा आया तीन, फिर नॉर्थ ईस्ट की तरफ चले हमारा आया चार। अब देखो बाहर की तरफ आया तो ठीक उसके सामने वाले खाने में हमको चार लिखना है, फिर उसी दिशा में चले तो हमारा आया यहां पर पांच। अब देखो जब हम पांच से छह की तरफ चलेंगे तो सामने वाला खाना भरा हुआ है, जब भी हमको भरा हुआ खाना मिलता है तो हम अगले अंक को उसके नीचे लिखते हैं, यानी कि छह आएगा पांच के नीचे, फिर से वही प्रक्रिया हमको करनी है, छह से अगला अंक सात, सात से अगला अंक आठ, अब आठ से अगला अंक आएगा हमारा नौ, अब नौ इस जगह पर आया है तो ठीक इसके सामने वाले खाने में आ जाएगा आपका नौ, नौ से आगे चले दस, अब देखिए दस यहां पर आया तो दस इसके ठीक सामने वाले खाने में, अब 11 आपका यहां पर आना चाहिए लेकिन चूंकि ये वाला खाना भरा हुआ मिला हमको तो 10 के ठीक नीचे वाले खाने में आएगा 11, 11 से आगे आपका 12, 13, 14, 15, फिर से अपन आप कॉर्नर पे पहुंच गए तो कॉर्नर वाला अंक जस्ट उसके नीचे 16, 16 से अगला अंक आया 17, तो 17 के ठीक सामने इधर 17, 17 से अगला आया 18, तो 18 के ठीक सामने इधर 18, फिर आपका 19, फिर आपका 20, अब 21 के लिए जाएंगे तो सामने खाना आपका भरा हुआ है तो यहां आएगा आपका 21, आगे आएगा आपका 22, 23 यहां पर लिखेंगे तो 23 के ठीक सामने 23, अगला अंक आया आपका 24 और अंत में 25 आपका यहां, तो 25 के इधर लास्ट में ठीक सामने 25। फिर से भाई हमने देखा कि हमने एक से प्रारंभ किया था और अंतिम 25 आपका ठीक सामने वाली लाइन के अंत में आ गया, इसका मतलब आपने जो ये पूरा प्रोसेस किया है वो सही है, इसमें कहीं गलती नहीं हुई है, तो आपका ये 5x5 यानी कि 1 से 25 तक अंकों का जादुई वर्ग तैयार है। अब आप यहाँ पर कहीं से भी नोट टोटल करके देखिए, 17 और 23 40 और 4 44 और 10 54 और 11 65, तो आप कहीं से भी आप टोटल करके देख लीजिए आपका 65 ही आएगा, इधर से टोटल देखो तो आपका 65 आएगा, यहाँ से भी आप कॉर्नर से भी टोटल करो तो आपका यहाँ पर 65 ही आएगा, तो ये आपका 5x5 का जादुई वर्ग बिल्कुल तैयार है। अब इसी का प्रयोग करते हुए आप 7x7 का, 9x9 का, 11x11 का, यानी कि विषम संख्याओं के सारे जादुई वर्ग तैयार कर सकते हैं, तो प्रत्येक पंक्ति का, प्रत्येक स्तंभ का और जितने भी आपके विकर्ण वाली पंक्तियां हैं सबका योग हमेशा